हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तुलसी के बारे में बताऊंगी कि आप तुलसी की कैसे प्रेपरेशन या तैयारी करें कि आपका तुलसी का प्लांट बुशी भी बने और साथ के साथ आपको इसको सर्दी में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं सर्दी के लिए कि आप कपड़ा ढक के रखते हैं इसको सर्दी, या जो हमारे यहाँ बर्फबारी होती है या ओले गिरते हैं तो उस टाइम हमारी तुलसी सूख के झड़ जाती है, तो उसके लिए हम पहले ही क्या तैयारी करें कि ताकि हमारी तुलसी घनी और बुशी बने और हमारे प्लांट्स को ज़्यादा केयर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम इस टाइम अक्टूबर या नवंबर के मंथ में हम इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। इससे सबसे पहले क्या करना है, जो इसके सीड कच्चे हैं, मेरे कई प्लांट्स ऐसे हैं पोट में लगे हुए हैं और फील्ड में जो मेरी तुलसी लगी हुई है उसने तकरीबन सीड बिल्कुल पक चुके हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि सीड कैसे पके हुए हैं। अगर कच्चे हैं तब भी आप उनकी पिंचिंग कर दें, जो उनकी आप अपने नाखून से नेल से कटिंग पिंच कर दें, और जो पक्के सीड हैं उनको आप काट दें। काटने के बाद आप उनकी न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, आप जितने चाहें उतने, और उन सीड्स को भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि तुलसी का बहुत ही बेनिफिट है। कोई भी आपके पास काउ डंक है उसको आप ज्यादा से ज्यादा डीकम्पोस्ट, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाए, तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और मिथेन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कच्चे गोबर में हमेशा नाइट्रोजन और मिथेन गैस होती है जो हमारे प्लांट्स को जला देती है, और इससे कच्चे गोबर से ऐसा होगा कि फंगस भी लगेगी और दीमक भी लगेगी। तो इसलिए आप सबसे फर्स्ट शर्त ये है कि आप हमेशा काउडंग या लीव्स, वर्मी कंपोस्ट जो भी खाद आप लेते हैं वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डीकम्पोस्ट हुई हो। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आपने प्लांट्स की गुड़ाई नहीं करनी और उसको मल्चिंग की तरह ही 2-2 इंच की लेयर बिछा देनी है आपने अपने प्लांट्स पे। जो ये डीकम्पोस्ट हमारी खाद है काउडंग की या वर्मी कम्पोस्ट का, वैसे आपने यहाँ पे काउडंग की देना है, काउडंग की जो खाद है उसकी आपने मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग का मतलब ये कि गुड़ाई नहीं करनी और 2-2 या 2.5-2.5 इंच के आसपास आप इसकी लेयर बिछा दें ताकि जब हम पानी दें तो उसकी जो 2-2.5 मंथ के बाद उसकी जो एनर्जी है वो हमारी रूट्स को पहुंचे, और रूट्स को पहुंचने पर हमारा जो प्लांट है वो बुशी और बहुत अच्छा बनेगा और सर्दी में भी वो सरवाइव कर जाएगा। काउडंग के साथ साथ अगर आप देना चाहें, अगर आपके पास काउडंग की मात्रा कम है तो आप एक पॉट में काउडंग दे दें, एक में आप एप्सम सॉल्ट दे दें, रिजल्ट उनका दोनों का ही बहुत अच्छा निकलेगा। एप्सम सॉल्ट भी हमारा एक ऑर्गेनिक है क्योंकि ये रॉक से बनता है, तो इसके लिए आपने ये जो टीस्पून है उसको हाफ चम्मच लेके आपने प्लांट्स में डाल देना है। और उसके साथ साथ ये करना है कि आपने अगर काउडंग डाल दिया, अगर आप पानी 2 दिन के बाद देते हैं तब भी वो चलेगा, पर अगर आप एप्सम सॉल्ट देते हैं तो एप्सम सॉल्ट में हमेशा आप पानी साथ के साथ दें, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा जो आपने एप्सम सॉल्ट डाला है। तो बस आप ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो तुलसी का प्लांट है वो बहुत ही बुशी। फ्रेंड्स, ये मेरा जो पोट में लगा हुआ है तुलसी का प्लांट, उस पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सीड से भरा हुआ है, आप ये देखेंगे बिल्कुल सीड से भरा हुआ है। इस सीड्स को मैं उतार लूंगी, और एक टिप्स मैं आपको यहाँ पे और दूंगी कि आप जो तुलसी की है बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। अभी आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सॉरी कोई भी प्रूनिंग नहीं करनी है आपने, ना सॉफ्ट ना हार्ड। इस टाइम पे इसको रेस्ट पीरियड इसका आने वाला है, उस टाइम हम इसकी हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। आपने कोई भी प्रूनिंग इसकी नहीं करनी, ओनली इसके सीड्स उतार लेने हैं। इस तरह से आप सीड्स उतार लें और इन सीड्स को हम जर्मिनेट करेंगे। इन सीड फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये तुलसी के सीड जो मैंने उतारे थे अपने इससे प्लांट से, वो मैं आपको ग्रो करना भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी और इसकी अपडेट भी दूंगी। इसके सीड आप देखोगे बहुत ही बारीक सीड होते हैं, जो भी सीड बारीक होते हैं
उनको आप ऐसे मत लगाओ, और उनको पानी देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। इसके सीड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसके सीड हैं। इस ये जो बीज है वो सीड तुलसी का सीड है, वो बहुत बारीक होता है। उसके लिए आप इसको डायरेक्ट मत डालो अपने पोट में या जमीन में। इसमें अगर आप हो सकता है तो थोड़ी सी जो हमारी सॉयल है, सिंपल सॉयल, सैंड जो भी है आपके पास, उसको आप इसमें मिक्स कर लें, तो आप देखेंगे कि हमारे जो सीड हैं उनका एक एक दाना हमारे पोट में और उसमें बिखर गया है। तो इस तरह से आपने पोट तैयार कर लिया। पोट की सॉयल भी आपने सिंपल गार्डन सॉयल लेनी है पहले, उसके बाद जब हम रीप्लांटिंग करेंगे अपने प्लांट की, तब हम इसको गोबर खाद देंगे ताकि उसको अच्छी सॉयल एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए। तो ये जो हमने सैंड मिक्स कर लिया है, गार्डन सॉयल ही थोड़ी सी मिक्स कर लिया, उसको आप ऐसे करके डाल दें अपने पॉट में। अगर आपने जमीन में इनको उगाना है तो जमीन में बिखेर दें। और एक आप इस जो ये जितना भी बारीक सीड होता है, उसके लिए आप जो वाटरिंग करते हैं वो या तो आप शावर से करें, नहीं आपके पास शावर है तो आप एक बोतल में होल कर लें। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कैसे आपने पानी करना है। कभी भी आप तेज धार से आप पानी मत दें। अगर आपका बीज एक बार हिल गया तो आपका वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर अगर आपने डालनी है तो सॉयल डाल दें। वैसे ये हमारी जो मिट्टी मिक्स की हुई है उसमें हमारे ये बीज छुप गए हैं। तो मैं अब आपको पानी देने का तरीका बताती हूँ कि वो हमने कैसे यूज करना है। हमारे पास ये बॉटल है, बॉटल छोटा पोट है हमारा, इस वजह से मैंने छोटी बॉटल लिया है। इसमें मैंने दो होल कर लिए हैं, एक एयर के लिए और एक वाटरिंग के लिए। आप इसमें पानी भर लें। अगर आप चाहें बार बार निकालने की समस्या अगर आपको लगती है तो आप ऊपर से काट लें इस बोतल को, और नीचे वाले बोतल के ढक्कन में दो होल करके आप इसको मिट्टी में हम लगा देंगे, और ऊपर से आप पानी डाल सकते हैं। वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। कभी भी आपने तेज धार से और पाइप से पानी नहीं देना जब तक हमारे सीड पूरी तरह जर्मिनेट नहीं होते और उनका प्लांट बहुत अच्छा नहीं बनता, तकरीबन 8-9 इंच का नहीं बनता, तब तक आप उसको पानी इस तरीके से देंगे तो आपके सीड। फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे 3 दिन की हमारी ग्रोथ है तुलसी सीड की, ये जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद की जर्मिनेशन दिखाऊंगी कि हमारे प्लांट्स कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये 20 दिन की ग्रोथ है तुलसी के प्लांट्स की, और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अब मैं इन सभी प्लांट्स को निकाल के या तो अपने नेबर में बांट दूंगी, या फिर इनकी मैं अपने यहाँ थोड़े से प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दूंगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे वो प्लांट लगा के उसको मैं काओ डंक दूंगी और काओ यूरिन। बस ये तरीका करना है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह उनको, जो आपका प्लांट लगा हुआ है उसको आपने खाद देनी है, तो आपका वो प्लांट सर्दी में भी नहीं मरेगा। और इस तरह से आप अपने तुलसी प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। इस तुलसी प्लांट के यहाँ सीड्स बनने शुरू हो गए हैं, पर इनको मैं पिंच कर दूंगी क्योंकि ये सारा अपना कुल ग्रीन कलर का कीड़ा लगा हुआ है जो हमारे तुलसी के पत्तों को खा रहा है। ये आप देख रहे हैं, अब मैं उतार के आपको दिखाती हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम पे तुलसी को ये कीड़ा लगा है, आप देख रहे हैं कितना शार्प कीड़ा है, और इसने इसके सारे पत्तों को खा लिया। और मैं अगर आप ये आप अगर न्यू बिगनर हैं, प्लांट्स का शौक रखते हैं, तो अगर आप ये छोटे छोटे 2-3 टिप्स भी आप करते हैं तुलसी के बारे में, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ तुलसी बिल्कुल मरेगी नहीं, और तुलसी का पेड़ आपका बहुत ज़्यादा बुशी
और नए साल के लिए बहुत अच्छा बनेगा। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं किसी और नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर आऊँगी आपके समक्ष। उसके लिए थैंक्स।